अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। बिहार की गया में तथाकथित छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत पर गया में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिटाई करने वाले शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज गया के बाटा मोड़ स्थित कृष्णा प्रकाश के घर के पास से हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने हाथों में लेकर कैंडल लेकर विरोध मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में कृष्ण प्रकाश के पिता प्रेम प्रकाश और माँ सहित छोटा भाई और पूरा परिवार शामिल था। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कृष्ण प्रकाश की बेरहमी से पिटाई करने वाले शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही विद्यालय प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज किया। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि उन्हें जेल होना चाहिए, सख्त शिक्षक को जेल होना चाहिए और हो सके तो स्कूल को भी बंद करें, क्योंकि ये स्कूल में 3 जगह और ऐसा हो चुका है, तो स्कूल भी बंद करना चाहिए। ऐसा स्कूल चलेगा नहीं। ना बताओ, नाम श्री अग्रवाल, आप क्या मांग करना चाहेंगे? कृष्ण प्रकाश की जो हत्या हो गई है जीडी पब्लिक स्कूल में, इसमें बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा गया है उस तरह से हम लोग CBI की जांच की मांग करते हैं, क्योंकि पूरी जनता आक्रोशित है और ये आज जो कैंडल मार्च निकाला गया पूरे शहर का के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उस बच्चे के साथ हैं और उस बच्चे के परिवार के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन, जिला प्रशासन में सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये हत्या जो हुई है इसकी CBI जांच हो और जिसमें साफ पता चल जाएगा कि किसके द्वारा ये घटना हुई, ताकि आने वाले दिन में जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि हर घर से हर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले दिन में स्कूल के नाम से ही बच्चे डरेंगे। इसलिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि वो CBI की जांच कराएं और निष्पक्ष जांच कराकर इस जो हत्या हुई है इस बालक की, उसको जो दोषी हो उस पर कार्रवाई। कैंडल मार्च निकाला गया है हजारों, ये जो कैंडल मार्च निकाला गया ये बाटा मोड़ से गोदाम होते हुए टावर चौक तक आया और इसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं अभिभावक जो हैं उसके साथ मौजूद थे और महिलाएं मौजूद थी जो भी यहाँ पर यहाँ को देखा गया है। और निश्चित तौर पर सभी बच्चों में जो अभिभावक जो आक्रोशित थे, ये जिस तरह से जो घटना हुई है उससे लोग आक्रोशित हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर जांच कराए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। थोड़ा सा जी बताइए, क्या मांग करना चाहते हैं? इस तरह घटना हुआ आपके बच्चे के साथ, चाहते हैं मेरे बच्चे को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले, दोषी सिर्फ शिक्षक ही नहीं जो मारने वाला, दोषी पूरा सिस्टम है, दोषी जो उसको संरक्षण दे रहा है। आपके स्कूल विद्यालय में ऐसे जानवर रूपी शिक्षक हों जो बच्चों को बेरहमी से मारते हों, और पूरा स्कूल प्रशासन उसके साथ खड़ा हो, और तो सिस्टम पूरा सिस्टम दोषी है, ना कि अकेला शिक्षक दोषी है। अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है? पुलिस का रवैया हेल्पफुल रहा है लगातार, अभी तक तो हेल्पफुल रहा है, आगे भी हेल्पफुल रहेगा ये उम्मीद करते हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हैं विरोध में? हम शांति मार्च कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से मांग बच्चों को न्याय मिले, और हम आते हैं कि और भी कई बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और माँ बाप अपने बच्चों को बड़े खुशी पूर्वक आज़ादी से भेज सकें, बिना डर के भेज सकें स्कूल में। मेरा तो चला गया था स्कूल प्रशासन के द्वारा अपने बच्चे को हत्या करने गए हैं। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।